I don't know how, but luckily I got third rank this year. यार जर्नी तो मेरी 2014 से स्टार्ट हुई, एक बड़ा फेज आ हो गया. तो देखो आई एम नॉट फ्रॉम IIT, विद ड्यू रिगार्ड टू एवरीवन हु इज फ्रॉम IIT, क्योंकि लोगों को लगता है टॉपर्स जो हैं वो ज़्यादातर IITs या उसी के होते हैं, इंस्टीट्यूट्स के. वैसे मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रूली ग्लोबल है, कोई गेस कर सकता है? शारदा यूनिवर्सिटी. तो मैं किसी को बोलता हूँ जाके कि आई एम फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी, तो दो बार पूछते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी. अच्छा, शारदा यूनिवर्सिटी. एकेडमिक्स में भी अगर मैं बोलूँ तो एवरेज स्टूडेंट 10th 12th 60%. 11th की नहीं बताऊँगा बिकॉज आप फिर सोचने लगोगे कि UPSC सही से ले रहा है या नहीं ले रहा है, सलेक्शन कर रहा है. तो जब मैं मेंस लिखता था तो वो बुलेट पॉइंट्स मेरे दिमाग में रहते थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था. इस बार तो इनफैक्ट 5-10 मिनट्स पहले ही पेपर कंप्लीट हो जाता था मेरा, क्योंकि इस बार टेंशन भी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि लास्ट ईयर सर्विस में हो गया था. तो यार देखो, मेरा एक्सपेक्टेशंस इतने हाई थे नहीं, क्योंकि मेरे जो बैचमेट्स हैं ज़्यादातर IITians और वो सब है, तो IAS के अलावा उन्हें मतलब IAS ही चाहिए. तो मेरा तो था रेवेन्यू सर्विस मिल गया, बहुत अच्छा है. अब जो भी ऊपर है वो बोनस ही है. तो इस बार और अटेम्प्ट 5th लास्ट ईयर में रेवेन्यू सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ था, दिस ईयर या 3rd. तो मेरा जर्नी तो ये था कि स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें देखी. प्रीलिम्स का एक नैक था मेरे पास, पता नहीं कैसे बहुत अच्छा स्कोर आता था, बट मेंस में प्रॉब्लम होता था. स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट्स में मेंस नहीं हुआ था. तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि मेंस में आपके जो आंसर राइटिंग होती है उसमें आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना, स्ट्रक्चरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो स्ट्रैटेजी तो एक लंबी है पूरी, क्योंकि पीरियड भी बहुत लंबा है 5 साल का, तो यहाँ तो नहीं बता पाऊँगा. किसी को अगर वैसे पूछना हो तो बता दूँगा. लेकिन मेंस में यही रहता है कि आप कितना अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो. मैं क्या करता था कि मेरे जो नोट्स मैंने 4th 3rd अटेम्प्ट से क्या किया था, न्यूज़पेपर, मैंने फोकस ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स पे किया था. तो जो भी इश्यूज़ होते थे उसको मैं ट्राई करता था कंसाइज करने में, और क्या इशू है उसका क्या सोल्यूशन है, और वो बहुत छोटे उसमें मैं बुलेट पॉइंट्स में लिख लेता था. और इस तरीके से क्या हुआ था कि मोस्ट ऑफ़ द इश्यूज़ कवर हो गए थे. हार्डली अगर आप देखोगे तो 150 इश्यूज़ आते हैं, उससे ज़्यादा मिलेंगे भी नहीं, वो सारे कवर हो जाते हैं उस चीज़ में. मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स क्या होता है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना तब आती हैं. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था 3rd rank आ जाएगा. अभी आप देखो ज्योग्राफी में 4 अटेम्प्ट से मेरा 233-234 स्कोर आ रहा था, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि 321 आ गया इस बार. तो इट इज़ लाइक कि कुछ चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए, कि आप जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा वो करते हो, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं. तो कभी कभी चीज़ों को उस चीज़ पे छोड़ देना चाहिए. तो ये एक मेरा वो था. दूसरा इंटरव्यू का, इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे, 190 मिले थे लास्ट ईयर. बट वो जैसे सब लोगों ने बोला इंटरव्यू का, क्या वो दे टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी. और क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे विनय मित्तल सर का बोर्ड था एक बार मेरा, तो वो उठ के वॉक करने लग जाते थे, कभी कभी पीछे खड़े हो जाते थे. तो उसमें आप प्रेशर में आ जाते हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो उसमें पीछे खड़े हो के. तो उस सब चीज़ों से इतना वो नहीं करना चाहिए. लास्ट ईयर सुजाता मैम का बोर्ड था, तो उनके पास में एक मैम बैठी थी, तो मैं कुछ भी बोलता था उनका एक्सप्रेशन ऐसा होता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता. उनका एक्सप्रेशन वैसे ही था, और मैं सोच रहा था मैं बोलूं भी क्या नहीं बोलूं. तीसरे चौथे क्वेश्चन के बाद मैंने बोलना ही वो कर दिया, सॉरी मैम करने लगे. तो ये थोड़ा इंटरव्यू में रहता है, बिकॉज दे नॉट चेकिंग योर नॉलेज ऑलरेडी, दे हैव टेस्टेड इन प्रीलिम्स मेंस, वो पर्सनालिटी ही देख रहे हैं. तो उसी पे थोड़ा वर्क करना चाहिए. बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, यार मेरा तो एक ही वो है कि हार्डवर्क इज़ द की, मैंने जो रियलाइज़ किया है. और जैसे ट्रिनिटी था हमारा फंडामेंटल राइट्स का, कि 5th 14th 19 21, उसी तरह मैंने बनाया हार्डवर्क, पेशेंस, परसिवरेंस, जो अपनी लाइफ में एटलीस्ट मुझे इस फेज में बहुत हेल्प किया. तो इस चीज़ को अगर देखेंगे तो UPSC कोई भी क्लियर कर सकता है.